हेलो व्यूअर्स, मेरी चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर। तो ताकि पहले आप देख चुके हैं स्टार्टिंग में कि मेरा आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो हाँ दोस्तों, आज का मेरा वीडियो ईंटों के ऊपर है। हम आज देखेंगे और जानेंगे कि ये ईंट कैसे बनते कैसे हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। जो आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है वो एक अच्छे ईंट है, तो इसे जलाया जाता है बाद में, और ये पूरा प्रोसेस बनने में कितना दिन लगता है, वक्त कितना लगता है, तो ये मिट्टी कहाँ से आता है, तो मैं आप लोगों के सामने पूरा शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक वर्कर काम कर रहे हैं, वो अपने हाथों से मिट्टी को काट के ऐसे शेप में लाते हैं। उसके बाद एक बॉक्स के अंदर इस मिट्टी को डालेंगे। देखिए, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और फिर कटर से वो एक्स्ट्रा मिट्टी को काट के साइड में रखते हैं, और हम लोगों के सामने ऐसे बेहतरीन ईंट बन के सामने आते हैं। तो ये हालांकि ये कच्ची ईंट है, तो इसे सूखने में वक्त तो लगेगा, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ कि कितना वक्त लगता है कि ईंट को सूखने में। तो सूखने के बाद उसे जलाया भी जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। देखिए कितनी खूबसूरत से और बारीकी से काम कर रहे हैं वर्कर, और देखिए एक भी लाइन की इधर उधर नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा ईंट जो है पूरा लाइन बेस के अंदर है। देखिए पूरा लाइन बन चुका है। और जो मैं बोल रहा था कि ईंट सूखने के बाद कहाँ ले जाते हैं वो लोग, तो ईंट को सूखने में 20 से 25 दिन लगते हैं, और सूखने के बाद यहाँ ले आया जाता है ताकि ईंट जलाया जा सके। ईंट जलने के बाद ही सॉलिड होकर हम लोगों के सामने आते हैं, जिससे घर बनता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। देखिए कुछ वर्कर्स जो है अपने सर पे कुछ ईंटों को लाद के ऐसे ले आते हैं, और जो सामने 3-4 वर्कर्स हैं वो ऐसे ईंट को लेके इस तरह से सजाते हैं ताकि कोई भी ईंट इधर उधर ना हो या फिर गिर ना जाए, ताकि अगर गिरता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसे जलाते कैसे, ये प्रोसेस भी मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने जूम करके दिखा रहा हूँ। वो जो देख रहे हैं वो दो वर्कर्स अपने रॉड से कुछ नीचे से कुछ उठा रहा है और ज़मीन के अंदर कोयला डाल रहे हैं। तो कोयला डालने के बाद वहाँ पे आग लगाया जाता है, उसके नीचे पूरा खाली एरिया है जहाँ पे आग लगाते हैं और कोयला डालने के लिए रखा जाता है। तो देखिए ये जो पूरा चिमनी है इसके अंदर से धुआं अभी भी निकल रहा है, तो आप समझ चुके हैं कि नीचे मिट्टी के नीचे आग वो लोग लगा चुके हैं, ताकि इस जो ईंट वो साइड में तैयार हो रहा है जलाने के लिए जो लादा जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस बनने में बहुत आग लगते हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ा था तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना हीट है यहाँ पे, और इस हीट के अंदर ही ये मेहनती लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए जो पहले जलाया जा चुका है, जो ईंट बन के तैयार हो चुका है, वो कुछ इस तरह से है। वो जो देखिए यहाँ के वर्कर्स कुछ वर्कर्स हैं यहाँ पे जो चलने के बाद तैयार हो चुके ईंटों को वहां से निकाल रहा है। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है। देखिए ये ईंट जो है वो तैयार हुए ईंट है जो साइड में ले जाया जाता है, और जो ईंट कच्चे हैं वो उसे यहाँ पे ले जाए। देखिए एक हाथ में कुछ लिया ना, वो लिया, कितना ईंट वहां से उठाया है, उठा के साइड में रख रहे हैं, वो इसका हिसाब रख रहे हैं वो लोग, ताकि बाद में उस हिसाब से पैसे वो कमा सकें। तो देखिए एक तरफ जो तैयार हुए ईंट को लेकर ऊपर आ रहे हैं, और कुछ लोग इसे कच्ची ईंट को लेकर वहाँ ले जा रहा है जहाँ पे वो ईंटों को लादा जाता है, ताकि बाद में वो जलाया जाए ताकि ईंट को फिर ऐसे बन के सामने आए। तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ही मेहनत वाली काम है, और ये लोग बहुत इसके अंदर सोच भी नहीं सकते कितना हीट है। मैं यहाँ पर जब खड़ा था तो
अब समझ नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वो कितना हीट है यहाँ पे। और ये मेहनती लोग इस हीट के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो देखिए ये जो ये टूट चुका है, टूटने के बाद ऐसे साइड में लादा जाता है, ये भी काम में लगते हैं बाद में। और ये जो है वो पूरा फाइन ईंट है जिससे कि घर बनाया जा सके। अब सभी जानते हैं ईंटों से घर जो बनते हैं वो ये ईंट है। तो ये यहाँ का ईंट बाहर स्टेट में भी एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, यहाँ से जाते हैं। और यहाँ के लोग तो लेते ही हैं यहाँ से, अपने अगर कोई घर बनाता है तो यहाँ से ईंट लेते हैं। यहाँ और भी ईंट बनने का फार्म है यहाँ पे, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए ऐसे ईंट बन के तैयार होके बाहर आता है। तो ये बनने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो कहाँ से आता है? वो आता है इस नदी के पानी से। तो आप सोचेंगे पानी से कैसे मिट्टी आता है? जी हाँ, इस मिट्टी जो आपको देख रहे हैं वो, ये जो पानी का कलर है वो ग्रे कलर का है पूरा का पूरा, आप देख रहे हैं। इसके अंदर एक मिट्टी पाई जाती है। इस पानी को जमा करने के बाद जब पानी पूरी तरह से शांत हो जाता है तो वो मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके नीचे जमा होता है। और ये कहाँ से आता है, ये ले पानी को कहाँ से लाता है, ले आते हैं इसके अंदर, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो बांध के ऊपर मैं खड़ा हूँ जहाँ से मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो इसके सामने एक छोटा सा नाला है जो ये भी जो भी बोले कैनल है यहाँ पे। तो इसके मदद से ही पानी को इस एरिया के अंदर लाया जाता है। ये बहुत बड़ा इलाका है, अगर आप नहीं देखेंगे अपनी आँखों से तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि कितना बड़ा इलाका है जहाँ पे पानी को रखा जाता है ताकि बाद में वो मिट्टी को कलेक्ट कर सके। तो मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए वो इसके अंदर पानी को लाते हैं, ले आकर ऐसा प्रोसेस चलता है, कुछ महीने चलता है। चलने के बाद फिर से वो लोग ऐसे बांध को तैयार कर देते हैं ताकि पानी एटलीस्ट बाहर ना जाए। तो यहाँ से पानी वो लोग अंदर लाते हैं, तब ये बांध नहीं होता है तो वो लोग ही इस बांध को तोड़ देते हैं। तो मैं अगर कभी ऐसा मौका मिले तो मैं वो भी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कैसे पानी को अंदर लाते हैं। तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि बाद में भी ऐसे इंटरेस्टिंग सा वीडियो मैं आप लोगों के सामने आप लोग देख सकें। तो ये देखिए मैं बोल रहा था ना, ये इलाका बहुत बड़ा है, तो मैं इसके हाफ साइड में हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हाफ साइड है और उस साइड पूरा है। तो ये देखिए इस मिट्टी को कलेक्ट करके ऐसे नीचे जो जमा हो चुका है मिट्टी, उसे देखिए एक मशीन वहाँ पे लगा हुआ है। तो उस मिट्टी को इस मशीन के अंदर डाला जाता है, वो फाइन बन के बाहर आए ताकि बेहतरीन ईंट बन सके। तो वहाँ से ईंटों को ऐसे नीचे रख के सुखाया जाता है, फिर सूखने के बाद यहाँ से ले कर निकाला जाता है। वो देखिए एक जेसीबी का इंजन जो वर्कर्स काम कर रहे, वो मिट्टी को साइड से जमा किए हुए मिट्टी को ऐसे सामने लाते हैं ताकि इस मशीन के अंदर डाल सकें और मिट्टी को फाइन बनाकर वर्कर के पास पहुंचाया जाए ताकि वो लोग ऐसे बेहतरीन ईंट बना सकें। तो ईंट नीचे बन के ऐसे नीचे रखते हैं ताकि 20-25 दिन तक सुखाया जा सके वो धूप में। तो देखिए इस जो मिट्टी जो आप लोगों के सामने अब आप लोग देख रहे हैं तो फाइन होके ऐसे कुछ दिखेगा आप लोगों के सामने, तो ये पूरा फाइन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे बनने में वक्त लगता है। मशीन के अंदर ये लोग डालेंगे ये इस मिट्टी को और इस मिट्टी को ले जाकर वर्कर के पास पहुँचाया जाता है फाइन बनने के बाद। तो चलिए मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ कि फाइन बनने के बाद वो मिट्टी कैसा दिखता है। तो देखिए ये जो सामने आप लोगों के सामने है, जो एक वर्कर वो मिट्टी को काट के अपने हाथों से काट के एक ठेले के अंदर जमा कर रहे ताकि वर्कर के पास पहुँचाए। फाइन होने के बाद आप लोगों को ऐसे कुछ इस तरह से मिट्टी आप लोगों के सामने हाजिर होगा, बहुत ही फाइन मिट्टी है ये। ईंट बनने का पूरा तैयार हो चुका है, ईंट बनने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो पूरा तैयार हो चुका है, ऐसे मिट्टी से ईंट बनते हैं। तो देखिए ऐसे ठेले में
मिट्टी को लाद के सभी वर्कर के पास पहुंचाया जाता है ताकि वो लोग ईंट बना सकें। जो आप लोग देख सकते हैं, जो सभी वर्कर के पास एक एक ठेला है और ठेले में ले जाकर इसे सामने देते हैं, वो लोग ईंट बनाते हैं। तो यहाँ के सभी वर्कर्स इसी से ही अपना गुजारा करते हैं। इस पूरा प्रोसेस चलता है इन लोगों की वजह से। इन लोग बहुत मेहनती है, ये लोग बहुत ही अच्छे भी है। तो देखिए, सभी लगभग यही काम कर रहे हैं कैसे ईंट बनाने के लिए। और वो लोग जो ठेले में ले आए थे मिट्टी को, वो भी ईंट बनाते हैं। सभी का काम अलग अलग है, लेकिन ईंट सभी बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ के ज़्यादातर सभी लोग ऐसे ईंट बनाने में माहिर हैं और बहुत ही मेहनती है। आप समझ नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितना मेहनती है ये लोग। देखिए, दिन में कड़ी धूप होने की वजह से ये भैया एक सोलर लाइट का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि रात में कुछ थोड़े कम धूप में, या फिर रात में जो धूप नहीं होती हम सब जानते हैं, तो एक ठंड में ऐसे ईंट बना सके। देखिए, ये रात में काम करने के लिए लाइट का इंतज़ाम कर रहे हैं। सभी यहाँ पे ईंट बनाते हैं, ये बाहर गांव से आते हैं यहाँ पे काम के तलाश में। तो ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ईंट बनाते हैं। इन लोगों के वजह से ही आज हमारा घर ईंटों का है। देखिए कैसे बारीकी से ईंट को तैयार करते हैं ये लोग। प्रोसेस हालांकि एक ही है, एक प्रोसेस से ही सब ईंट बनाते हैं, लेकिन बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद ही ऐसे फाइन ईंट हम लोगों के सामने आता है। तो देखिए, यहाँ के महिलाएं भी इस काम में माहिर है। पुरुष हो या महिला, काम सभी करते हैं यहाँ पे, और सभी लोग यहाँ के बहुत ही मेहनती है। देखिए, प्रोसेस सभी एक ही है, एक ही प्रोसेस के अंदर ये लोग काम करते हैं। प्रोसेस एक ही ईंट बनने का, लेकिन बहुत ही मेहनत वाली काम है ये। और सुबह से रात तक ये लोग इतने कड़ी धूप में ये मेहनत करते हैं। हम लोग 40 या 42 डिग्री के धूप में जब सूरज उगता है तो हम लोग पागल हो जाते हैं। ये लोग कितने कड़ी धूप में ये मेहनत करते हैं, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने मेहनती हैं ये लोग। देखिए, इन लोगों के मेहनत की वजह से आज ऐसे खूबसूरत ईंट बन के तैयार हो चुके हैं। तैयार होने के बाद यहाँ पे लाया जाता है ईंटों को, ताकि बाद में यहाँ जो कोई ऑर्डर देता है तो इसे कैरी करके वहाँ कस्टमर के पास पहुंचाया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ के सभी ईंटों को, ये सब तैयार हुए ईंट हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो मैं नेक्स्ट ले आने वाला हूँ, तो वो आप लोग देख सकें। ये जो इसके अंदर आग देते हैं, जो ये चिमनी के अंदर है, कितना ऊंचा है आप सोच भी नहीं सकते। मैं अगर इसके मैं जब इसके नीचे खड़ा हुआ वीडियो कर रहा था, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था। देखिए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये बाहर गांव से आते हैं यहाँ पे काम के लिए। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम कर रहे हैं। देखिए, प्रोसेस एक ही है, इस प्रोसेस के अंदर से ही ये लोग ईंटों को बनाते हैं। इस कड़ी मेहनत के बाद ऐसे खूबसूरत ईंट ये लोग बनाते हैं। मेहनत सभी करते हैं, तो हम लोगों को करना क्या है, सभी लोगों को, चाहे जो कोई भी हो, मेहनत सभी करते हैं, हम सभी को सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों को। इन लोगों के वजह से ही आज हम ईंटों के मकान में रह रहे हैं। देखिए, यहाँ के मर्दों के साथ साथ औरतें भी अपना हाथ बटाते हैं
और अपने परिवार के लिए काम करते हैं। तो देखिए, सभी अपने माहिर ईंट बनाने के लिए, अगर आप ट्राई करेंगे तो कर सकते हैं ऐसा काम, लेकिन इतने खूबसूरत से ईंट नहीं बना सकते जो लोग जो कि ये लोग बना रहे हैं। ये मेहनत वाले काम वो लोग कर रहे हैं, तो सैल्यूट है उन लोगों को। अपने परिवार के लिए ये सब सभी लोग ऐसे काम करते हैं। तो देखिए किस तरह से ये खूबसूरत ईंट बना रहे हैं वो लोग, और ये जो ईंट बन के तैयार हुए ईंट जो है वो ले जाया जाएगा कस्टमर के पास, जो ऑर्डर के कस्टमर है जो ऑर्डर दे चुके हैं। तो देखिए इस सामने दो गाड़ी सामने दो ट्रक है, इसके अंदर ईंटों को लादा जा चुका है कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए।